सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लाइंट कंप्यूटर्स। आज हम लेकर आ चुका है एक 90K का पीसी बिल्ड। ऑल दो इसका जो टोटल बजट आया वो कुछ ऑलमोस्ट 87-88,000 के आसपास आया है। और ये जो यहाँ पे पीसी बिल्ड किया गया, ये हमारे वसीफ अहमद भाई का पीसी बिल्ड यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, क्या क्या प्राइस है, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। एंड इनका जो मेन यहाँ पे वर्क था वो था 3D एनिमेशन। और ऐसे अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा लगता है, डेफिनेटली हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही साथ दबा देना बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसे वीडियोस फ्यूचर में और भी मिलते रहे। और बाय द वे, आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको पीसी के कंपोनेंट्स काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। और हमारे इस वाले पीसी बिल्ड के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट यूज किया गया हुआ हमारा मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे यूज किया गया असूस का प्राइम Z690P Wi-Fi D4। बेसिकली ये मदरबोर्ड आपके एक डिसेंट VRM के साथ आ जाता है टू हैंडल दी कोर i5-13600K। एंड इसके अंदर आपको मिल जाता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ, साथ ही साथ इसके अंदर आपको ऑरा सिंक मिल जाता है, ARGB Gen 2 ARGB मिल जाता है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे अपने ARGB फैंस को, लिक्विड कूलर के फैंस को बहुत ही आराम से कंट्रोल कर पाओगे थ्रू दिस मदरबोर्ड। एंड ऑल्सो दिस मदरबोर्ड कम्स विद 4 RAM स्लॉट्स एंड आपका PCIe Gen 4.0 NVMe का स्लॉट, जो कि एक टिपिकल Z690 मदरबोर्ड के अंदर होता है। बेसिकली ये एक हमारा बजट बोर्ड है। फिर आ जाता है हमारा प्रोसेसर, जहाँ पे यूज किया गया है इंटेल का कोर i5-13600K, जो कि यहाँ पे 14 कोर्स के साथ आ जाता है, काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑफर कर देता है। यहाँ पे 6 P कोर्स एंड 8 E कोर्स के साथ ये वाला प्रोसेसर आ जाता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। खास करके अगर आप यहाँ पे गेमिंग एडिटिंग करना चाहते हो, तो ये CPU आपके लिए काफी एक स्वीट ऑप्शन रह सकता है। यहाँ पे कोर i5 होते हुए भी इसके अंदर आपको टोटल 14 कोर मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंसेन बात हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रैम के अंदर यूज किया गया जी स्किल का ट्राइडेंट Z RGB, जो कि एक लाइक किट है जिसके अंदर आपको 2 रैम स्टिक्स मिल जाते हैं, 8-8 GB के 2 रैम स्टिक्स, मतलब कि यहाँ पे टोटल 16 GB का रैम यूज किया गया, जो कि हमारे बिल्ड के अंदर काफी प्यारा लुक देने के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी हमें ऑफर करने वाला है। एंड ये जो रैम स्टिक हमारा 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, जो कि लाइक हमारे इस सिस्टम के लिए आइडियल एंड काफी सफिशिएंट रहने वाला है। और यहाँ पे स्टोरेज के अंदर यूज किया गया एंटी स्पोर्ट्स का 690 Neo अल्ट्रा M.2 NVMe SSD, जो कि एक PCIe Gen 4.0 NVMe SSD है। इसके अंदर आपको मिल जाता है 7400 MBPS का रीड स्पीड एंड 5500 MBPS का राइट स्पीड। और ये SSD अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। एंड इसके अंदर आपको 3 ईयर्स का वारंटी भी मिल जाता है। तो हमारा i5-13600K को कूल करने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है कूलर मास्टर का ML240L V2 ARGB लिक्विड कूलर, जो कि 240mm का लिक्विड कूलर है, जो कि हमारे i5-13600K के लिए मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाला है। 240mm का AI है, इसके अंदर आपको कूलर मास्टर के सिकल फ्लो वाले फैंस मिल जाते हैं। एंड देन आ जाता है हमारा पावर सप्लाई, जिसके अंदर यूज किया गया है XPG का कोर रिएक्टर 750 गोल्ड, जो कि एक फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है 750 वाट का, एंड 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ भी ये पावर सप्लाई आ जाता है। इसके अंदर आपको 10 साल का वारंटी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अपने बजट के हिसाब से ये काफी अच्छा वैल्यू भी ऑफर कर देता है, और हमारे सिस्टम के अंदर जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको बहुत आराम से फुलफिल तो कर ही देगा, बल्कि ये जाके एक अच्छा खासा GPU भी फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं विद दिस पावर सप्लाई एंड i5-13600K। और लास्ट दिया जाता है हमारा कैबिनेट, जहाँ पे यूज किया गया Lianli का LANCOOL 216, जो कि काफी एक न्यू कैबिनेट है। सामने के साइड यहाँ पे 180mm के 2 फैंस मिल जाते हैं, जो कि ARGB फैंस है। पीछे के साइड यहाँ पे एक 140mm का फैन मिल जाता है, जो कि प्लेन ब्लैक फैन है। काफी अच्छा खासा एयर फ्लो ऐड करने के साथ ही साथ हमारे सिस्टम के अंदर एक अच्छा खासा लुक भी ऐड करता है ये वाला हमारा कैबिनेट, और ब्लैक थीम PC है, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस, ये थे हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स। आई होप आपको पता चल गए होंगे क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं एंड क्या क्या प्राइस हमें पड़ा है हर एक कंपोनेंट का, उसके साथ ही साथ ये पीसी कैसे बिल्ड हुआ है आप देखो वीडियो के अंदर आगे। सो लेट्स गो।
आई होप आपने देख लिया होगा ये वाला पीसी आखिर कैसे बिल्ड हुआ एंड ओवरऑल देखने में कैसा लग रहा है। अगेन गाइज, अगर आपको ऐसा सिमिलर सा पीसी ऑर्डर करना है हमसे तो आप ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारा शोरूम विजिट कर सकते हो जो कि कोलकाता के अंदर है। एड्रेस मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपको ऐसे वीडियोज देखने अच्छे लगते हैं डेफिनेटली चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको पसंद है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।